Assalamualaikum ladies and gentlemen, मेरा नाम डॉक्टर ज़ाहर है, मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होता है जो हार्मोन्स को डील करता है। कोविड के हवाले से बेतहाशा हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं जिस टॉपिक को मैं टच करने जा रहा हूँ इसमें वो हार्मोन्स का इम्पैक्ट जो आपके ऊपर आपकी सेहत पर आएगा कोरोना के टाइम पर और बिलखसूस बच्चों से मुताबिक। देखिए हमारी जो बॉडीज़ हैं वो दे आर डिज़ाइंड फॉर फिज़िकल एक्टिविटी, तो जो पिछले 5-6 महीने में फिज़िकल एक्टिविटी कम हुई है और हमारे यहाँ बिलमूम पाकिस्तान में जो बच्चे हैं उनकी फिज़िकल एक्टिविटी अगर जनरल आप देखें तो वो कम है। शहरों में और देहातों की जो लाइफ हैं उसके हिसाब से अगर हम जाएँ तो जो शहरी बच्चे हैं उनका जो फिज़िकल एक्टिविटी का जो दायरा कार है वो घरों तक महदूद है, और ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। और माँ बाप के लिए, मैं माँ बाप को एड्रेस कर रहा हूँ डायरेक्टली कि उनको ये चीज़ एजुकेशन होनी चाहिए कि इस करंट जो पेंडेमिक है उसका क्या इम्पैक्ट आया है उनके बच्चों की ज़िंदगी पे। बच्चों को ग्रोथ के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो बिलवास्ता और डायरेक्टली बच्चों के कद, उनकी हड्डियों, उनके मसल्स उससे रिलेटेड है। अगर हम जो एक जो चीज़ जो बहुत ही क्रूशल है मेरे लिए, विटामिन डी की जो हैसियत है वो विटामिन डी की नहीं है, मेरे लिए विटामिन डी इज़ लाइक अ हार्मोन। और जितने हमारे यहाँ अगर पाकिस्तानी नेशन को देखें तो 99.9% ऑफ द पाकिस्तानी जो है उनकी विटामिन डी ड्रॉप है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सूरज में जाना, खेलना कूदना, इस टाइप की चीज़ें कुदरत ने बनाई थी। खाने पीने का इतना ताल्लुक नहीं रखा उसके साथ, क्योंकि जो विटामिन सी है उनकी जो हिस्ट्री वो ये कि इंसानी जब इंसान अपने इर्तकाई मराहल में था, जो हमारे जो लाखों साल में हम सारे विटामिन अपने जिस्म में खुद पैदा करते थे, जो जो हमारा कल्चर चेंज होता गया, हम लोग आए उसकी तरफ एग्रीकल्चर की तरफ और हम लोगों ने इकट्ठा रहना शुरू किया, वो चेंज हमारी बॉडी में यूँ आया कि अगर हमने बाहर से फ्रूट्स लेके खाने शुरू किए तो हमारी विटामिन सी की प्रोडक्शन इंटरनली बंद हो गई। ये तमाम विटामिन्स का अक्रॉस द बोर्ड हाल है, उसी में विटामिन डी भी शामिल है। विटामिन डी इज स्टिल प्रोड्यूस इन द बॉडी, उसको सूरज की रोशनी चाहिए टू वो कन्वर्ट हो अपने एक एक्टिव फॉर्म में। अब ये मैं अगर आपको कहूँ कि आप बाहर जाके सूरज में आधा घंटा एक घंटा बच्चों को बिठाएं तो वो तो होना नहीं है, मैं वो प्रैक्टिकल चीज़ करना चाह रहा हूँ जो कि इस ज़िम्मे में आपके काम आएगी। एक तो आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बच्चों को किसी भी किस्म का मुनासिब अच्छा एक विटामिन डी का सप्लीमेंट अलॉन्ग विद कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर दें ताकि उनकी बोन्स सख्त रहें। देखिए बच्चों की बोन्स बहुत नरम होती हैं और बड़ों की नरम हो जाती हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी से, और अगर बच्चे जो कि ऑलरेडी बाहर नहीं कभी जाते धूप में, अब वो पिछले 4-5-6 महीने से घरों के अंदर ही हैं, तो उनके साथ जो होना है वो आगे जाके आप सबको मिल जाएगा। जो सबसे इजी चीज़ है वो ये कि आप बाज़ार में एक मुनासिब कोई भी अच्छा विटामिन डी और का एक सप्लीमेंट ले लें और उसके साथ कैल्शियम, क्योंकि अमूमन विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इकट्ठे आते हैं, ये आप ले लें और आप उस बच्चे को उसकी उम्र के मुताबिक चाहे सिरप फॉर्म में दें, चाहे टैबलेट फॉर्म में दें, चाहे इंजेक्शन आते हैं जो ओरल बच्चे ले लेते हैं वो दें, उसकी डोज के ऊपर डिपेंडेंट है। वरना आप हमारी हेल्पलाइन पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं, नंबर नीचे आ रहा है कि हमने किस टाइप की हम ट्रीटमेंट बच्चों को देते हैं जिनकी हमें ख़तरा हो कि बोन्स वीक हो जाएगी। सो जो सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो विटामिन डी है। अगर ये मैं आपको ऐसे बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जो पिछले 5-6 महीनों में हम घरों पे रहे हैं, एक तो बच्चे पहले ही विटामिन डी और इवन आप लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अब अगर आप लोगों ने इस विटामिन डी डेफिशिएंसी के बारे में अगर कोई इफ़ यू डोंट टेक अ स्टेप, ये आपको मैं एज अ डॉक्टर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि उसके जो मुज़र असरात हैं वो अभी नहीं वो बाद में आ जाएंगे। अमूमन मिसाल के तौर पर
बच्चों की शॉर्ट हाइट होती है, और शॉर्ट हाइट में जब पेरेंट हमारे पास मेरे पास लेके आते हैं बच्चे को कि जी इसका कद लंबा नहीं हो रहा, तो अब तो मैंने पाकिस्तान में बच्चों के विटामिन डी टेस्ट कराने बंद कर दिए, क्योंकि मैंने वो मेरे नज़दीक पैसे ज़ाया करने वाली बात है। उतनी कीमत में पूरे साल का सप्लीमेंट आ जाता है वो लेके मैं दे देता, क्योंकि उसका कोई नुकसान तो है नहीं, वो कोई दवाई तो नहीं है, मगर बड़े अच्छे मार्केट में आपको मिल जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले सकता, यू कैन कॉल अस इन द ऑफिस एंड वी विल टेल यू कि कौन सा एक मुनासिब अच्छा विटामिन डी और दूसरी हड्डियों का कौन सा सप्लीमेंट आप दें। अब आप ये सोचें कि जब हड्डी कमज़ोर रह जाएगी तो जो हार्मोन है ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अब हार्मोन उस क्वांटिटी में नहीं चाहिए, वो हार्मोन जिसने बच्चों के कद लंबे करने हैं उसमें एक सबसे पहले जो आएगा वो थायराइड है, उसके बाद आएगा ग्रोथ हार्मोन, अब ये दो उसमें एक फिर एक और तीसरा आएगा IGF-1। ये तीन हार्मोन्स डायरेक्टली कद लंबा करने के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि मसल भी लंबे होने हैं, कद भी लंबा होना है। थायराइड के बगैर ये इट्स अ गिवन थिंग कि थायराइड अगर नीचे तो बच्चों का छोटा रह जाएगा। प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं जो इसमें एक्सपर्ट है। हमारे पास चाइल्ड डिवीजन सेपरेट बना हुआ है, जो जहाँ पे हम बच्चों के लिए एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, ताकि जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो आप हमसे ले सकते हैं। विटामिन डी विद कैल्शियम विद विटामिन सी। अच्छा, एक और चीज़ कहलाती है ओसिन कंपाउंड, ये भी हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल है ओसिन कंपाउंड, वो बुनियादी तौर पर बहुत क्रूशल है हड्डी की डेवलपमेंट के लिए। तो जब इनकी कमी होती है तो ब्रेन ने जो हमारे कुदरत ने अल्लाह ताला ने जो हमारे हार्मोन्स बनाए हैं वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से बनाए हैं। मैं आपको इस दूसरी वीडियो में जो आने वाली है इसमें मैं आपको डिटेल में हार्मोन्स और विटामिंस की इकट्ठी जो प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज़ आएंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बताऊँगा। फॉर दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर आपके घर में चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, मेक श्योर यू गिविंग दम विटामिन डी सप्लीमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।